तो फ्रेंड्स ये अंगरखा है जो यहाँ से ये ओवरलैप होएगा, मैंने इसकी कंधी जोड़ ली है और उसके बाद ये नेक पे अपन ये पाइपिंग लगाएंगे जो इसमें ड्राइंग में था, ये पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। तो ये पाइपिंग राउंड में पूरी लगेगी तो पाइपिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे इस तरफ को। और एक दोस्तों मैंने ये स्टिच मारी है थोड़ी सी, जो कपड़ा लपकने वाला कपड़ा होता है जो जगह पे टिकता नहीं, उस पर थोड़ा सा स्टिच ये लगा लेना चाहिए ताकि ये जगह पे फिक्स रहे, बढ़े ना और पाइपिंग अपनी अच्छे से आए। तो यहाँ से करते हैं शुरू और लगा लेते हैं पाइपिंग इसमें पूरे में। सिंगल बोर्ड दोस्तों मैंने लगा रखा है और पाइपिंग को तो ये अपने स्लीव में भी ये पाइपिंग जो है सिंगल बोर्ड लगा हुआ है तो अटैच कर लेते हैं। ये बाहर की तरफ है, इसको अपन अंदर से अंदर फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है ऐसे, ये इस तरह से अपन इसको फोल्ड कर लेंगे और लगाते हैं स्टिच सिलाई। तो ये लग गई अपनी सिलाई। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको फिनिश कर दिया है, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा शेप दिखा देता हूँ बिना आयरन के। तो ये दोस्तों अपना इस तरह से देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छे से पाइपिंग आई है, कहीं पे नहीं उठ रही। और अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपना सेंटर था और इन ऊपर वाले नीचे वाले पल्ले का ये सेंटर था, ये नोच कर रखे हैं मैंने, इन दोनों को मिलाएंगे। जो क्रीज अपने लगा रखी थी उसी क्रीज को एग्जैक्ट इसके ऊपर ऐसे बिठा के स्टिच मारेंगे। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर अपने को ये एक गोटा की लाइन भी लगानी है, ये इस तरह से। दोस्तों इसको अपन इस तरह से अपनी जो सिलाई है उसी के ऊपर अपन स्टिच करेंगे ताकि अपने ये फिनिशिंग जो है वो अच्छे से इसकी आए और अपनी जो सिलाई है वो इस गोटे के नीचे भी छुप जाए। तो दोस्तों ये लग गया अपना गोटा इसके ऊपर और अब मैं लगाऊंगा स्लीव पे भी, गोटे की लाइन है तो स्लीव पे भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगा लेते हैं स्लीव के ऊपर भी, गैप रखेंगे बराबर। तो फ्रंट स्लीव पे भी अपने ये गोटा लग गया आप देख सकते हो। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे अपन कलियाँ। तो कली जोड़ने के लिए इसको मैं कली को गुम करूँगा, तो ये सीधा ऊपर है और नीचे का भी सीधा ऊपर है, बीच में दोनों उल्टे हैं, तो मार्जिन इसमें गुम सिलाई में अंदर चला जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा एकदम एज पे गुम सिलाई के लिए अपने को मार्जिन हाफ इंच तक इसको फिनिश करना होता है, तो इसके एज पे एकदम ऐसे अपन सिलाई लगाते हैं। मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, इतना ही लेना है, बहुत कम मार्जिन लेना है। उसके बाद इसको अपन इस तरह से नाखून लगाएंगे और अब इस पे बूट की सिलाई से इसको फिनिश कर देंगे। लिया मैंने इस प्रकार से जोड़ लिए।
और सेंटर से सेंटर बिठाएंगे दोस्तों, ऐसे ये वाला, ये सेंटर बिठा लेंगे, ऊपर से भी इसका सेंटर बिठा लेंगे तो नेक अपने आप बराबर आएगा। और ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपन एक स्टिच मार लेंगे, एक बार कच्चा कच्चा स्टिच मारेंगे जो बाद में खोल देंगे। इधर से भी नीचे से पैक कर देंगे, इसको अपन यहाँ तक ये पैक कर देते हैं तो ये ओवरलैप भी दिखेगा दोस्तों, ऐसे ये देख रहे हो, ऐसे ओवरलैप भी दिखेगा और पकड़ा भी रहेगा बॉडी में, ये इधर उधर नहीं होएगा। तो इसको रखेंगे, कलियों को अपन इसके ऊपर, ऐसे रखेंगे इसका सेंटर, कलियां दोनों तरफ की बराबर करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको स्टिच कर देता हूँ। ऐसे ही मैं जोड़ता हूँ बैक को, दूसरा पार्ट इसमें जोड़ेंगे। ये मैंने जोड़ दिया इसमें दूसरा पार्ट, और अब इसको करेंगे दोस्तों ओवरलॉक। इस कलियों वाले मार्जिन को रखेंगे ऊपर की तरफ और इसको साइड से पैक कर देंगे और स्लीव लगा देंगे बाद में। तो पैक करने के लिए यहाँ से अपन आर्म होल से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों सीम को फ्रंट और बैक को बराबर करेंगे। और दोस्तों ये सिलाई लगा देंगे, ये हो गई अपनी एक तरफ की। यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ओवरलॉक भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये अपनी साइड सीम जुड़ चुकी है, ये बाजू मैंने पैक कर रखी है, राउंड में चढ़ाएंगे बाजू दोस्तों। तो ये बाजू अपने तैयार है, तो इसको मैं बाजू को चढ़ा देता हूँ। ऐसे पकड़ेंगे, अंदर की तरफ लेंगे, फ्रंट को फ्रंट से मिलाएंगे और बाजू को भी ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, स्लीव अपनी लग चुकी है, ये आप देख सकते हो मैंने स्लीव अटैच कर दी है। और अब अपना ये उधर की भी मैंने अटैच कर दी, तो ये अपना पूरा तैयार है। अब रहती है बॉटम की बात, तो ये है दोस्तों इसका बॉटम। बॉटम में मैंने ये सीधी तरफ से इस तरह से नॉर्मल फेसिंग है दोस्तों, इसको लगा दिया। और अब इसको क्या करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ पलट के ये और इधर से ये स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों मुझे। अभी तक मेरा नया चैनल है तो रेस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं बहुत से वीडियो आपको अच्छे अच्छे वीडियो दूंगा, ये दोस्तों मेरा वादा है। थैंक यू।